हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? एंड स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है अंकिताज मैजिकल फूड। एंड फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू मेक मंचूरियन, बट नॉट द सिंपल वन। आई एम वेरी श्योर आपने वैरायटी ऑफ मंचूरियंस खाए होंगे, आपने गोभी मंचूरियन, आपने पनीर मंचूरियन खाया होगा, लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हम यहाँ पर मैगी मंचूरियन बनाने वाले हैं। तो अगर आपको मैगी पसंद है और उसके साथ अगर आपको मंचूरियन भी पसंद है तो यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड प्लीज़ गिव अ ट्राई टू इट। स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं फिर से नई डिश लेके आई हूँ और आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो एक चाइनीज फेमस डिश जो हम सभी को बहुत पसंद है। आई एम वेरी श्योर मंचूरियन सबको बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं जो मंचूरियन बनाने वाली हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ फ्रॉम द मैगी। बहुत ही आसान डिश है और मज़ा भी आती है, और कभी कभार मैगी अगर बच गई तो क्या करें, तो मंचूरियन बनाइए। तो आइए देख लेते हैं फटाफट इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके आप इंग्रेडिएंट्स को नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मंचूरियन बॉल्स बनाना। यहाँ पर मैंने 10 रुपए वाला जो मैगी का पैकेट होता है उसे मैंने बना लिया है, और यहाँ पर मैंने मसाला भी डाल दिया है उस मैगी को बनाने में। और आप देख सकते हैं थोड़ी सी हमारी जो मैगी है वो ड्राई है, सो आप इसे एक बॉल में ले लें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ फूलगोभी, और हम यहाँ पर डाल रहे हैं अदरक। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चॉप्ड चिलीज डाली है, और हम डालेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑफ चॉप्ड ऑनियंस, 1 टेबलस्पून ऑफ चॉप्ड कैप्सिकम, और हम डालेंगे यहाँ पर पत्ता गोभी। सो लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने पत्ता गोभी लिए है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पत्ता गोभी है वही हमारा टेक्सचर जो बॉल्स का बहुत क्रिस्पी बनाएगा। और इसके साथ हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ सोया सॉस। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, साथ में ही हम डालेंगे यहाँ पर गार्लिक पेस्ट। दोस्तों, अगर आप ऑनियन एंड गार्लिक नहीं खाते हैं तो यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं, उसके बिना भी ये बहुत टेस्टी बनता है। साथ में हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर या फिर रिफाइंड फ्लावर आप डालें, और हम इसे बहुत थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर लिया है और उससे हम इसे बाइंड कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर कैबेज जो होता है वो इटसेल्फ पानी रिलीज़ करता है, तो हमें बहुत ही थोड़ा पानी डालना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी खुला खुला अभी हमारा आटा है, और यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर मंचूरियन बॉल्स को रोल कर लिया है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये काफ़ी हल्के हाथों से मैंने रोल किया है इसे बॉल्स बनाने में, तो आप इसी तरीके से रोल करें। और यहाँ पर मेरा जो तेल है वो गर्म हो चुका है और मैंने काफ़ी ज़्यादा तेल लिया है, तो यहाँ पर जो ऑयल मैंने लिया है इसमें हम डिप फ्राई कर लेंगे अपने सारे मंचूरियन बॉल्स। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें मीडियम से हाई फ्लेम में फ्राई करना है, और आप देखिए कितना बेहतरीन टेक्सचर आ रहा है हमारे बॉल्स का। और दोस्तों, इसको हल्का हिलाना है हमें, और बस इसे हाई फ्लेम में अब फ्राई कर लेना है, क्योंकि हमने पत्ता गोभी डाली है तो डेफिनेटली ये काफ़ी क्रंची एंड क्रिस्पी तैयार होने वाले हैं। और दोस्तों, देख सकते हैं लगभग ये 5 मिनट के अंदर एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट पे। और आप ध्यान रखिए टिश्यू पेपर का यूज़ करें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और देखिए हमारे एकदम करारे और क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स तैयार है। दोस्तों, मैं अब इसको एक बार दिखा रही हूँ कि किस तरीके का टेक्स्चर होता है। देखिए एकदम क्रंची है, और दोस्तों कभी मौका मिले तो इसको ऐसे ही खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। फ्रेंड्स, तो अब हम बनाने वाले हैं मंचूरियन के लिए सॉस या फिर स्लरी, तो उसके लिए प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर ले। सो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर हम लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अब 2 टीस्पून ऑफ सोया सॉस, और इसे मिक्स कर लीजिए। साथ में हम डालेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून ऑफ वाइट विनेगर, और हम डालेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून ऑफ टोमेटो सॉस जो कि काफ़ी टेंगी टेस्ट देगा इसे, और अब इसे मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने अच्छे से इस कंटेंट को मिक्स कर लिया है और इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर मेरा जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है, साथ में हम डालेंगे यहाँ पर लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और यहाँ पर उसे अच्छे से मिला लीजिए। और साथ में डालेंगे हम सब्जियाँ, जैसे कि 1 टेबलस्पून ऑफ चॉप्ड कैप्सिकम, 1 टेबलस्पून ऑफ चॉप्ड ऑनियंस, और यहाँ पर हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं, तो दोस्तों फ्लेम हाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो सॉस रेडी है उसे हम डालेंगे, हमें इसे पकाना है तो इसे कॉन्स्टेंटली स्टर करना है आपको। और साथ में हम डालेंगे 1/4 कप ऑफ वाटर, मैं इसे ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसे हमें पकाना है सॉस को। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा सॉस अच्छे से पक रहा है। इसके साथ हम डाल देंगे यहाँ
यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक और साथ में डालेंगे अजीनोमोटो। अजीनोमोटो बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों। यहाँ पर अच्छे से हमारी ग्रेवी पक चुकी है, ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, इट मीन्स कि ये एकदम अच्छे से पक चुकी है। अब हम डाल देंगे हमारे मंचूरियन बॉल इस ग्रेवी में और बस इसे अच्छे से टॉस करना है और फ्लेम को ऑफ कर लीजिए और दोस्तों इसे एक प्लेट पर सर्व करिए और ऊपर गार्निश करने के लिए आप स्प्रिंग अनियंस का यूज़ करें, साथ में बारीक कटा हुआ अदरक डालें और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से सर्व। मैगी मंचूरियन बॉल्स एकदम रेडी है, आप ट्राई करें और मुझे बताइए कैसी लगी डिश आपको। सो फ्रेंड्स गिव अ ट्राई एंड घर पे इसे ज़रूर बनाइए और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। और अगर आप ये पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।